सवाल है, क्या कुरान पढ़ने के लिए वज़ू बनाना ज़रूरी है? अफजल और बेहतर है कि बावज़ू होकर के हम कुरान पढ़ें, जैसा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर इब्न आमिर इब्न हज़्म रज़ियल्लाहु ताला अन्हों से फरमाया, वअल्ला यमस्सल कुरान इल्ला ताहिर, कि कुरान को ना छुए मगर वो शख्स जो ताहिर हो। ताहिर से क्या मुराद है? ताहिर के माने पाक शख्स। ताहिर माने पाक शख्स कौन है? मुमकिन है यहाँ तहारत से तहारत कुबरा मुराद हो, और मुमकिन है तहारत से तहारत सुगरा मुराद हो। तहारत कुबरा यानी आदमी को गुस्ल की ज़रूरत है, बड़ी तहारत। तहारत सुगरा छोटी तहारत, यानी आदमी को वज़ू की ज़रूरत है, वज़ू उसका टूट चुका है। और जब कलिमा आम है, ताहिर कहा गया है, तो दोनों ही तहारतें इसके अंदर दाखिल हैं। मालूम ये हुआ कि ताहिर उस शख्स को कहेंगे जिसे न तो गुस्ल की ज़रूरत हो और न ही वज़ू की ज़रूरत हो, दोनों एतवार से वो पाक हो, फिर वो ताहिर है। इस सूरत में बेहतर और अफजल है कि वो शख्स बावज़ू हो जो कुरान मजीद को छूना चाहता हो, उसे पढ़ना चाहता हो।